मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम एलिसा होता है। उसके गले पर अजीब सा निशान होता है। वो निशान एलिसा को बचपन से होता है। एलिसा गूंगी होती है और वो इशारे से बात करती है। एलिसा अकेली रहती है। उसका एक फ्रेंड होता है जो उसका पड़ोसी भी होता है, जिसका नाम गिलस होता है। वो एलिसा को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था। एलिसा एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम करती थी। वहाँ उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम जेल्डा होता है। एलिसा से कोई बात नहीं करता पूरे लाइब्रेरी में, बस जेल्डा को छोड़ के। जेल्डा ही उसकी दोस्त होती है और जेल्डा ही उससे अच्छे से बात करती है। जेल्डा और एलिसा जब लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम कर रही थी, तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और कहता है कि आज हमारे यहाँ एक टीम आ रही है। वो अपने साथ एक क्रिएचर को ला रही है जो बहुत कीमती है। तभी वहाँ पर वो टीम आ जाती है। वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लाते हैं जिसके अंदर वो क्रिएचर रहता है। कर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर होता है जो इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा होता है। वो उस क्रिएचर को लेकर आता है। एलिसा जब उस क्रिएचर के पास जाती है तो वो आवाज करने लगती है और ये ऑफिसर देख लेता है। तभी एलिसा और जेल्डा को वहां से जाने को कहता है। अगले दिन एलिसा जब लाइब्रेरी आती है तो उस लैब से बहुत आवाज आती रहती है जहां वो क्रीचर को रखा गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लैब से रिचर्ड बाहर आता है जो बहुत घायल होता है। ये देखकर एलिसा और जेल्डा बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा और जेल्डा को वो रूम की सफाई के लिए बुलाया जाता है। जब वो लोग वहां की साफ सफाई करते हैं तो देखते हैं कि वहां हर जगह खून होता है। ये देखकर वो लोग घबरा जाती है और एलिसा को साफ सफाई करने में रिचर्ड की उंगली मिलती है। एलिसा जेल्डा को देखती है कि उसे किसी की उंगली मिली है। जेल्डा किसी को बुलाने जाती है, तभी एलिसा की नजर एक बड़े से वाटर टैंक पर पड़ती है जिसमें एक अजीब सा क्रिएचर था। एलिसा उस वाटर टैंक के पास जाती है, तभी वो क्रिएचर भी आता है। इतने में जेल्डा एक ऑफिसर को लेकर आती है जिसे देखकर वो क्रिएचर फिर से वाटर टैंक के अंदर चला जाता है। अगले दिन एलिसा उस क्रिएचर के लिए खाना लेकर जाती है। एलिसा उसी रूम में जाती है जहां क्रिएचर रहता है। वहां एक पूल जैसा होता है जहां क्रिएचर को बांध कर रखते हैं। एलिसा उस पूल के पास वॉल पर जाकर बैठ जाती है। वो एक अंडा निकालती है। वो आवाज निकालना शुरू करती है जिसकी वजह से क्रिएचर बाहर आता है। एलिसा उसे अंडा देना चाहती है पर वो क्रिएचर एलिसा से डरता है, तो एलिसा वो अंडे को पूल के वॉल पर रख देती है। क्रिएचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है और एलिसा उस रूम से बाहर आ जाती है। एलिसा और जेल्डा को रिचर्ड अपने ऑफिस में बुलाता है और उन लोग से कहता है कि तुम्हारा काम उस लैब की साफ सफाई करना है। तुम लोग लैब की साफ सफाई करके वहां नहीं रुकोगी क्योंकि वहां एक खतरनाक क्रिएचर रहता है जिसे मैंने साउथ अफ्रीका के रिवर से लाया है। मैंने उसके साथ बहुत वक्त बिताया है तो मुझे पता है कि वो बहुत खतरनाक है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा उस क्रिएचर से दोस्ती करना चाहती है। वो उस क्रिएचर के लिए डेली अंडा लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट था। वो छुप कर रशियन लोगों से मिल रहा था। दरअसल डॉक्टर रॉबर्ट एक स्पाई होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलिसा लैब में आती है और वहां देखती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर बैठा हुआ है और उसे चेन से बांधा हुआ होता है और वो क्रिएचर बहुत घायल होता है। ये देखकर एलिसा घबरा जाती है। तभी एलिसा को वहां किसी के आने की आवाज आती है। एलिसा लैब में छुप जाती है। एलिसा देखती है कि रॉबर्ट वहां आता है और उस क्रिएचर को टॉर्चर करने लगता है। रॉबर्ट उस क्रिएचर को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। वो क्रिएचर रॉबर्ट से बहुत डरता है। तभी वहां जनरल हॉयट आते हैं। वो क्रिएचर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रिचर्ड जनरल हॉयट से कहता है कि ये क्रिएचर को अमेज़न के लोग भगवान मानते हैं। तभी डॉक्टर रॉबर्ट बताता है कि ये जानवर कोई मामूली जानवर नहीं है। ये जानवर पानी के अंदर और पानी के बाहर रह सकता है। तभी रिचर्ड कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो मेंढक भी कर लेता है। तभी वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है और डॉक्टर रॉबर्ट कहता है कि हमें इसे अभी पानी में डालना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। रिचर्ड ये बात नहीं मानता है और रिचर्ड जनरल हॉयट से इस क्रिएचर का ऑपरेशन करने का परमिशन मांगता है ताकि वो देख सके कि इस जानवर के अंदर कैसे ऑर्गन्स काम करते हैं। ये सब एलिसा सुन लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। एलिसा घर आकर ये सारी बातें गिलस को बताती है। उस क्रिएचर के बारे में भी बताती है। एलिसा कहती है कि हमें उसकी मदद करनी होगी, हमें उस क्रिएचर को बचाना होगा। गिलस ऐसा करने से मना करता है लेकिन एलिसा उसे मनाने की कोशिश करती है पर गिलस नहीं सुनता और वो वहां से चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गिलस वापस आता है। एलिसा से कहता है कि मेरा भी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज को बचाने को कह रही हो पर मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर एलिसा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर रॉबर्ट को कोई आदमी बॉम्ब और इंजेक्शन दे रहा होता है।
दूसरे सीन में दिखाया गया है कि गिलेस और एलिसा उस क्रिएचर को लैब से निकालने का प्लान बना रहे हैं कि गिलेस ट्रक लेकर आएगा और 5 मिनट में एलिसा को उस क्रिएचर को बाहर निकालना होगा। ये प्लान बनाने में दोनों बहुत डर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिसा उस लैब की सफाई करती रहती है, तभी वहां रिचर्ड आता है और वो एलिसा के साथ बदतमीजी करने लगता है। एलिसा बहुत डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा लैब के कैमरे को ऊपर कर देती है ताकि उस क्रिएचर को निकालने वक्त उसे कोई देख ना सके। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर रॉबर्ट रिचर्ड के पास जाता है, वो उसे ऑपरेशन करने से मना करता है और कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो क्रिएचर मर जाएगा, पर रिचर्ड नहीं सुनता है। वो कहता है कि वो मर जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एलिसा उस क्रिएचर को बचाने के लिए लैब में जाती है। वो देखती है कि क्रिएचर के गले में चेन बंधी है, वो उसे खोल नहीं पाती है। तभी वहां डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है जिसे देखकर एलिसा डर जाती है। रॉबर्ट उसे चेन की चाबी देता है। रॉबर्ट एलिसा की मदद करता है उस क्रिएचर को वहां से निकालने में। रॉबर्ट एलिसा को कुछ दवा देता है और कहता है कि उसके पानी में ये दवा डाल देना और पानी में नमक डालना मत भूलना। वहीं दूसरी तरफ गिलेस ट्रक लेकर आता है। सिक्योरिटी वाले उसे रोक लेते हैं और वो उसका आईडी मांगते हैं। गिलेस अपना आईडी कार्ड देता है। गार्ड समझ जाता है कि वो आईडी नकली है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा उस क्रिएचर को लेकर आती है और तभी जेल्डा देख लेती है। जेल्डा एलिसा को ऐसा करने से मना करती है पर एलिसा नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड ट्रक देखकर समझ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। रिचर्ड गार्ड को कॉल करता है पर गार्ड कॉल नहीं उठाता है, उनकी वो आईडी चेक कर रहा होता है। गार्ड समझ जाता है कि आईडी नकली है और वो अपना गन निकाल कर गिलेस पर तान देता है। तभी रॉबर्ट के पास जो बॉम्ब था वो ब्लास्ट हो जाता है और रॉबर्ट आकर उस गार्ड को इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो गार्ड बेहोश हो जाता है। वो लोग उस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर लेकर आती है और उसे बाथटब में रखती है। फिर भी उस क्रिएचर को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी एलिसा किचन से जाकर नमक लाती है और पानी में डालती है, तब वो क्रिएचर सही से सांस ले पाता है। ये देखकर गिलेस और एलिसा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड को वो बॉम्ब मिल जाता है जिसकी वजह से लाइट खराब हो गया था। रिचर्ड को पता चलता है कि ये बॉम्ब रशियन लोग का है। रिचर्ड को लगता है कि इस क्रिएचर को रशियन लोग ने चुरा लिया है। अब दिखाया जाता है कि रिचर्ड एलिसा और जेल्डा को बुलाकर पूछता है कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो उन्हें सही नहीं लगा हो। वो लोग इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गिलेस उस क्रिएचर का ख्याल रखता है। गिलेस की आंख लग जाती है तो वो क्रिएचर बाहर निकलता है और वो गिलेस की बिल्ली को देखता है। बिल्ली क्रिएचर को देखकर डर जाती है और चिल्लाती है। बिल्ली की आवाज सुनकर गिलेस की आंख खुल जाती है। वो बाहर आकर देखता है कि वो क्रिएचर उस बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा है। क्रिएचर गिलेस को देखकर डर जाता है और वो गिलेस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। एलिसा जब घर आती है तो गिलेस की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। गिलेस उसे क्रिएचर को ढूंढने को कहता है। एलिसा उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकलती है। एलिसा अपने लैंडलॉर्ड के थिएटर जाती है। वो वहां देखती है कि वो क्रिएचर मूवी देख रहा होता है। एलिसा उसे अपने साथ घर लाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिसा और क्रिएचर एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो लोग इंटीमेट होते हैं। एलिसा टब का पानी खोल देती है जिसकी वजह से थिएटर में पानी गिरने लगता है। वहां का मालिक गिलेस के घर आता है और उसे टब बनाने को कहता है। गिलेस समझ जाती है कि एलिसा ने पानी खुला छोड़ दिया है। वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि क्रिएचर और एलिसा गले मिल रहे हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि गिलेस एलिसा को अपना जख्म दिखाता है। वो कहता है कि मेरा जख्म ठीक हो गया है और मुझे बाल भी निकलने लगे हैं। मुझे नहीं पता ये क्रिएचर भगवान है कि नहीं, पर ये स्पेशल है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जनरल हॉयट रिचर्ड पर गुस्सा करते हैं और वो कहता है कि अगर तुम 36 घंटे में उस क्रिएचर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी नौकरी और तुम्हें मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एलिसा उदास होती है कि उसे उस क्रिएचर को पानी में छोड़ना होगा। वो ऐसा नहीं करना चाहती है पर क्रिएचर की हालात दिन ब दिन खराब होने लगती है। एलिसा ये बात जेल्डा को बताती है। जेल्डा डॉक्टर रॉबर्ट को कॉल करती है उस क्रिएचर के बारे में बताने के लिए, पर रॉबर्ट कॉल ही नहीं उठा पाता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड को रॉबर्ट पर शक हो जाता है, वो रॉबर्ट का पीछा करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट को रशियन के लोग गोली मार देते हैं। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है और वो उस रशियन लोग को मार देता है। रिचर्ड रॉबर्ट से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है पर रॉबर्ट नहीं बताता है। रिचर्ड रॉबर्ट को टॉर्चर करने लगता है। तब रॉबर्ट बताता है कि उस क्रिएचर को कोई रशियन लोग नहीं ले गए, बल्कि उसे हमारे लैब के काम करने वाली एलिसा और जेल्डा ले गई है।
वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रिचर्ड जेल्डा के घर जाता है और उससे उस क्रीचर के बारे में पूछता है। जेल्डा इनकार कर देती है, वो कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता है। तभी रिचर्ड जेल्डा को टॉर्चर करने लगता है और अपनी उंगली को तोड़कर फेंक देता है। उसकी सारी उंगली सड़ गई थी। ये देखकर जेल्डा का हस्बैंड डर जाता है और वो बता देता है कि वो क्रिएचर एलिसा के घर पर है। रॉबर्ट के जाते ही जेल्डा एलिसा को कॉल करती है। जेल्डा का हस्बैंड उसे मना करता है, पर जेल्डा गुस्सा करती है और वो एलिसा को बता देती है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड एलिसा के घर जाता है, वहां उसे कुछ नहीं मिलता। रिचर्ड गुस्सा करता है, तभी उनकी नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि एलिसा उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ने वाली है। रॉबर्ट उसी जगह जाता है जहां गिलेस और एलिसा उस क्रिएचर को लेकर जाते हैं। रिचर्ड गिलेस पर हमला करता है और एलिसा उस क्रिएचर पर गोली चला देती है। तभी गिलेस को होश आता है और वो रिचर्ड पर हमला करता है। तभी वो क्रिएचर उठ जाता है और रिचर्ड के पास जाता है। रिचर्ड उसे कहता है कि तुम सच में भगवान हो। क्रिएचर रिचर्ड के गले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर एलिसा को गोदी में लेकर रिवर में छलांग लगा लेता है। वो क्रिएचर एलिसा को किस करता है। एलिसा के गले पर जो निशान होता है वो गिल्स में बदल जाता है और एलिसा को होश आ जाता है। गिल्स रिवर के पास आकर कहता है कि मुझे यकीन है तुम लोग एक अच्छी जिंदगी बिताओगे, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।